हाय फ्रेंड्स, आई एम जूही। और एक गाना सुनाने का मन कर रहा है आज, प्लीज। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, याद है आपको? ये था हमारा बचपन की एक पोयम जो हमारे दूरदर्शन पे देखने को मिलती थी। तो नहीं प्लीज़, ये उस सॉन्ग का रिव्यू का वीडियो नहीं है। आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फिल्म अनेक। अनेक की अगर हम बात स्टार्ट करेंगे तो हम बात स्टार्ट करना चाहते हैं अपने आयुष्मान खुराना से। यस, आयुष्मान खुराना इसमें बहुत ही मैच्योर लुक में नज़र आए हैं एंड बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हुए दिखे हैं। अगर मैंने अपने पर्सनल व्यू की बात करी तो मुझे आयुष्मान खुराना की सिर्फ विक्की डोनर अच्छी लगी थी। उस फिल्म के बाद मुझे कोई अच्छी फिल्म उनकी देखने को नहीं मिली। बट दिस इज एन ऑसम फिल्म। पहली बार अंडरकवर पुलिस का रोल कर रहे हैं इस फिल्म में। उनके जो लुक्स हैं इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं एंड बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल हैं। तो इसलिए मुझे ये इस रोल में एंड इस फिल्म में बहुत अच्छे लगे हैं एंड उन्होंने अपना रोल भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। अगर थोड़ा सा डायलॉग बोलते हुए बताया जाए तो वो गोला बारूद के बीच में बंदूकें तानते हुए अपने डायलॉग लेते हुए, गोला बारूद भी है, बंदूकें भी हैं और डायलॉग्स भी हैं, ये तो हमारे बॉलीवुड का कमाल है। तो हर सिचुएशन में डायलॉग्स तो होने ही चाहिए ना, बारूद के जैसे डायलॉग्स होने चाहिए। तो वही डायलॉग्स हैं, उन्होंने उसी तरीके से प्रेजेंट किए हैं। एंड अनेक के डायरेक्टर एंड राइटर जो हैं वो अनुभव सिन्हा हैं। उन्होंने पहले भी बहुत अच्छी फिल्म्स दी है, लाइक थप्पड़, आर्टिकल 15, देन अपना ये मुल्क, एंड दिस इज डेफिनेटली अ हिट। तो माय सजेशन इज कि आपको ये फिल्म देखने जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी जा रही है फिल्म एंड जानी भी है आगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्टोरी इज टोटली डिफरेंट। जो भी हमारी फोर्सेस हैं, इंडियन फोर्सेस, उस पर हमें मूवीज देखने को मिली, बट कुछ कुछ रिपीटेशंस भी हुआ है। एंड इस फिल्म में द टॉपिक एंड द स्टोरी इज डिफरेंट। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिखाते हुए ये प्रेजेंट किया गया है कि व्हाई आर वी सेग्रीगेटिंग पीपल ऑफ इंडिया, मींस हम इतने बायस क्यों हो जाते हैं, हम ऐसे क्यों बोलते हैं भाई आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, मैं तो नॉर्थ इंडियन, मैं साउथ इंडियन, ये ईस्ट से, ये वेस्ट से, व्हाई वी डू दैट। तो द स्टोरी इज All about that only। आयुष्मान खुराना के साथ नजर आई हैं एंड्रिया, who has presented herself in an awesome manner, और बहुत अच्छा एक्ट किया है उन्होंने। एंड पहले लाइक देखा गया है अभी तक बॉलीवुड में हमारे कोई भी नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स दिखाई नहीं देते थे ज़्यादा, बट नाउ वी आर गिविंग, मीन्स वी मीन्स बॉलीवुड इज़ गिविंग प्रेफरेंस टू देम ऑल्सो, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। एंड वॉट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट, दिस फिल्म हैज़ टू बी अ हिट, क्योंकि पीपल आर लाइकिंग दिस फिल्म। मूवी को थोड़ा सा टैग में बांधें तो ये सोशियो पोलिटिकल थ्रिलर मूवी है। स्टोरी गोज लाइक दिस के इसमें एक लीड रोल हैं जो जोशुआ हैं, जो हमारे आयुष्मान खुराना प्ले कर रहे हैं। तो वो अंडरकवर पुलिस हैं जिन्होंने एक आतंकवादी टाइगर ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। सो इनका मिशन है टाइगर संगा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में पीस स्टैब्लिश करना। एंड इंड्रिया का, एडू का एम होता है कि वो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लाके कम्प्लीटली एज एन इंडियन एक्सेप्ट की जाए इंडिया में। इस फिल्म को काफ़ी एक्टर्स ने भी अप्रिशिएट किया है, लाइक तापसी पन्नू, ऋतिक रोशन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑल ओवर इंडिया से इनका कलेक्शन 150 करोड़ होने वाला है, ओवरसीज से इनका 70 करोड़ होने वाला है, एंड ऑल ओवर अगर देखते हैं तो 220 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है। एंड आई बिलीव कि वो टच करना ही चाहिए एंड करेगा। फ्रॉम माई साइड इस फिल्म को मिलते हैं 5-star रेटिंग। आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें, कुछ कमेंट्स कर दें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आई एक्सपेक्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।